राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने खिलचीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोलर फोटो वोल्टेज पावर प्लांट क्षमता 10 किलोवाट का लोकार्पण किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह अधिकारियों और कर्मचारियों पर जमकर बरसे। कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि चाहे खिलचीपुर लोकल का कर्मचारी हो, वह यह न समझे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे काम नहीं करने वाले कर्मचारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कि वे बख्शे नहीं जाएंगे। इसके बाद मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ को चेतावनी देते हुए कहा कि आपस में युद्ध न करें, जनता की सेवा करें, समय पर अपनी ड्यूटी बजाएं, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों न हो, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा मंत्री के सख्त रवैये को देखते हुए कहीं के तो चेहरे उतर गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा हो जाती है तो 20 दिन में ही लेडी डॉक्टर खिलचीपुर आ जाएगी। वही अगले बजट में हॉस्पिटल के लिए नवीन भवन स्वीकृत कराया जाएगा। वही हॉस्पिटल में एक और 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने और महिलाओं की मांग पर प्रतीक्षालय बनवाने की बात कही। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए सभी वार्डों में गए। जच्चा बच्चा वार्ड में फेस लाइन देने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जय अजय ओझा को मौके से फोन लगते ही 2 घंटे में यहां की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। जिले के सभी हॉस्पिटलों के बाद हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। नवकरणीय ऊर्जा डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर राजगढ़ जिले के तमाम अस्पतालों में 10 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं ताकि अस्पताल की लाइट न जाए। कभी अगर किसी कारण से डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइट बंद होती है, वैसे तो वो भी बंद नहीं होगी, पर अगर वो बंद होती है किसी भी कारण से, तो 10 किलोवाट का बैकअप सौर ऊर्जा का रहेगा ताकि लाइट बंद नहीं होगी। तो ये ऐसी योजना हमने चलाकर सिविल अस्पताल जीरापुर में सबसे पहले हमने ये संयंत्र लगवाया। आज के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खिलचीपुर में ये लग गया है, भोजपुर में भी तैयार हो गया है, लग गया है वहां पे भी, भोजपुर में भी तैयार हो गया और छापीहेड़ा में भी कार्य प्रगति पर है। तो 3 अस्पताल हमारी क्षेत्र के सारे अस्पताल कवर हो रहे हैं। माचलपुर का भी काम हम जल्द से जल्द शुरू करवा रहे हैं ताकि कम से कम अस्पताल भवनों में निरंतर विद्युत सप्लाई बनी रहे, लाइट कभी यहाँ पर बंद ना हो। पर मेरा एक अनुरोध है हमारे स्टाफ के सभी साथियों, आपकी मैं मीटिंग रखूंगा, पर मेरा आपसे अनुरोध है कि हम यहाँ पर हैं जनता के कल्याण के लिए। मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है और मैंने मेरा काम करने का तरीका भी स्पष्ट कर दिया है। अगर आप जो जन कल्याण का काम नहीं करेगा, चाहे कितना भी हमसे जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी के भी कितने भी निकट हो, वो व्यक्ति हर कार्रवाई अनुशासनात्मक कार्रवाई अनुशासन की कार्रवाई होगी। जनता का काम होना चाहिए, टाइमिंग से अस्पताल में लोग मिलने चाहिए। सिस्टर जो भी हैं यहाँ पे, जच्चा बच्चे की डिलीवरी के लिए समय पे जननी एक्सप्रेस उपलब्ध होनी चाहिए। आपको एक नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराई थी, वो चल रही है कि नहीं चल रही? 108 चल रही है। और एक आपके जो पुरानी एम्बुलेंस है वो भी चल रही है। एम्बुलेंस यहाँ पर उपलब्ध रहनी चाहिए और तमाम सुविधाओं का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर साफ सफाई की सुविधाओं का। से आप अपने काम पे जुड़ जाएं और काम करें। जहां तक लेडी डॉक्टर का सवाल है, ये मांग बहुत जल्दी आपकी पूरी होने जा रही है, ये पूरी हो जाएगी। आप तो 3 फेज की लाइट करवाओ और अभी वोल्टेज चेक करा, अभी अभी हाल ये 2 घंटे के अंदर व्यवस्था सुधारो इसको। हाँ, यहाँ आओ और यहाँ पे आके व्यवस्था सुधारो।